मध्य प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ शिवराज सरकार के एक्शन के बाद अब प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जिसके चलते अवैध कार्य करने वालों पर लगातार पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। ऐसा ही एक मामला जबलपुर से सामने आया है, जहां पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने पर भटौली के रास्ते एक सफ़ेद रंग की बिना नंबर की बोलेरो जीप में देसी शराब बेचने आने वाली है। इसी सूचना पर क्राइम ब्रांच एवं थाना ग्वारीघाट की संयुक्त टीम ने भटौली रोड पर दबिश दी। कुछ ही देर बाद ग्राम भटौली कच्ची रोड पर एक बिना नंबर का बुलेरो आती दिखी, जिसे रोककर ड्राइवर से पूछताछ की गई। पूछताछ में चालक ने अपना नाम मिथुन बताया। तलाशी लेने पर बुलेरो की पिछली सीट और बीच वाली सीटों पर 36 पेटी देसी शराब, जिसकी कीमत लगभग 1,44,000 बताई जा रही है, जब्त करते हुए आरोपी से पूछताछ की जा रही है। कि एक व्यक्ति अपने बुलेरो वाहन में अवैध शराब ग्वारीघाट थाना क्षेत्र में विक्रय के लिए ला रहा है। इस सूचना पर थाना ग्वारीघाट के अधिकारियों ने क्राइम ब्रांच से संपर्क किया। क्राइम ब्रांच के अधिकारी कर्मचारी वहां पर उपस्थित हुए। इन सब ने मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक वो भटौली तरफ से जो रास्ता आता है ग्वारीघाट के लिए, वहाँ ये लोग छिप गए। और जब वहाँ उधर से एक बुलेरो वाहन जो बिना नंबर की थी वो आती हुई दिखाई दी, उसको उन्होंने रोका। रोकने पर ड्राइवर से उन्होंने नाम पता पूछा। ड्राइवर ने अपना नाम मिथुन उर्फ रंजन झारिया, जो बरेला का रहने वाला है, बताया। और जब उसकी चेकिंग की गई तो उसमें 36 पेटी अवैध देशी मदिरा उसमें रखी हुई थी। उसको उस पर थाना ग्वारीघाट के द्वारा उस पर कार्रवाई की गई है, जब्ती की कार्रवाई की गई है। और कुल जब्त अवैध शराब 324 लीटर है, उसकी कीमत करीब 90,000 रुपये की है। पुलिस विभाग के एक्शन मोड के बाद माफियाओं की कमर टूटती नजर आ रही है। अब माफियाओं में भी खौफ साफ देखा जा सकता है। जबलपुर से रोहित नायर की रिपोर्ट।